फोर्स स्कूल सुलूर से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो यह मेंशन किया गया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी नर्सरी ट्रेन टीचर। नेक्स्ट है एनटीटी स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। प्राइमरी टीचर टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है टीजीटी के लिए इंग्लिश हिंदी साइंस सोशल साइंस मैथ्स संस्कृत। टीजीटी हेल्थ वेलनेस टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। टीजीटी गेम्स कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पीआरटी गेम्स एंड पीआरटी म्यूजिक। तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं तो यहाँ मेंशन किया गया एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी पीआरटी टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी साइंस सोशल साइंस मैथ्स एंड संस्कृत। टीजीटी हेल्थ वेलनेस टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। टीजीटी गेम्स कॉन्ट्रेक्चुअल एनटीटी स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पीआरटी गेम्स पीआरटी म्यूजिक इन एयरफोर्स स्कूल सुलूर। तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट है एनटीटी। एनटीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी विथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और मॉन्टेसरी और प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेकेंड वन है पीआरटी। क्वालिफिकेशन में है बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स और अ बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन से। पीजीटी क्वालिफिकेशन में मास्टर और बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है इंक्लूडिंग electives and languages in the combination of subjects। TGT maths के लिए mention किया गया maths with any two of physics, chemistry, electronics, computer science or statistics। science में mention किया गया है botany, zoology, chemistry, all three subjects should have been studied। TGT social science के लिए mention किया गया है any two out TGT social science में है any two out of history, geography, economics or political science of which one must be either history or geography। TGT English के लिए English as an elective subject at degree level। TGT Hindi, Hindi as an elective subject at degree level। TGT Sanskrit में Sanskrit as an elective subject at degree level। And TGT Health Wellness Teacher के लिए Diploma in Counseling from a teacher recognized university or BA BSc Psychology with Educational Psychology or Counseling Educational Psychology or Counseling Psychology from Recognized University or MA MSc in Counseling। Next है Special Education Entity के लिए 10th pass होनी चाहिए and Certificate Program in Early Childhood Special Education or any other equivalent qualification approved by Rehabilitation Council of India। TGT गेम्स में मेंशन किया गया डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। पीआरटी गेम्स में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। लास्ट वन पीआरटी म्यूजिक है जिसके क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया डिप्लोमा और डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन especially MS Office, second one ability to read, write, communicate in Hindi and third one experience will be given due weightage। ठीक है तो ये computer knowledge और हिंदी और इंग्लिश की अच्छी knowledge होनी चाहिए और साथ ही साथ experienced candidate को priority दी जाएगी। तो ये सारे desirable qualifications है। next है age preference, minimum age limit 21 years, maximum 50 years। ठीक है एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1 July 2023। नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बाय 3-tier प्रोसेस ऑफ रिटन एग्जाम टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो 3 phase में कंडक्ट करवाई जाएगी। फर्स्ट वन रिटन एग्जाम, सेकेंड वन डेमो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन होगी और लास्ट है इंटरव्यू। में यहाँ मेंशन किया गया है जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए वो बायोडाटा के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में साथ ही साथ फोटोग्राफ्स या ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया गया स्कूल का उस पर सेंड करना है थ्रू पोस्ट। ठीक है पोस्टल के थ्रू यहाँ भेजना है और इनवेलप पे क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और भी मेंशन किया गया या ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया या फिर कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट की स्कैन कॉपी सॉफ्ट कॉपी इस ईमेल आईडी पे
भेज सकते हैं। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया जहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और लास्ट डेट इस एप्लीकेशन का 20th of March। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अ TGT। तो फर्स्ट में यहाँ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया TGT के लिए, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लें। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली MS ऑफिस, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, रीड राइट और कम्युनिकेट कर सके। और लास्ट वन है सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर PRT। PRT के लिए मेंशन किया गया मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। लास्ट वन है NTT, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, एंड लास्ट वन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। और लास्ट में स्पेशल एडुकेटर, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एडुकेटर विल बी एज द गाइडलाइंस ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ जितनी भी वैकेंसीज मेंशन की गई है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मैंडेटरी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल सुलूर का। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए होम पेज के टॉप में स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे। मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी ट्रेंड टीचर NTT स्पेशल एडुकेटर, ये लास्ट वन, ठीक है। ये मैसेज स्क्रॉल होगा, उसके लास्ट में मेंशन होगा रीड मोर का टैब। तो यहाँ रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।